सब्जेक्ट साइंस एस पी मॉन्टेसरी कॉम्पिटिशन ऐप के द्वारा ऑनलाइन क्लास आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, फिफ्थ चैप्टर है, लेक्चर सिक्स। इसमें आपको दो हेडिंग पर विचार करना है और सोचना है, वह क्या है, एनिमल फाइबर। जैसे हम लोग काटन के लिए देखे थे, जूट के लिए देखे थे, पॉलिएस्टर एंड टेरिकॉट या जो भी रेयन है उसको भी देखे थे, उसी तरह से हमारे फाइबर जो होते हैं एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। जो एनिमल्स के फाइबर से फैब्रिक यानी कपड़े तैयार किए जाते हैं वे मजबूत होते हैं, आरामदेह होते हैं। अब इस पर हम देखेंगे वह कौन सा फाइबर है जिसे हमें आराम भी मिलता है और इसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो एनिमल फाइबर्स में नेचुरल फाइबर्स ऑफ हैंडक्राफ्ट एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। सब पॉपुलर एनिमल फाइबर्स आर टू टाइप्स, जो एनिमल जो जानवरों के द्वारा हम नेचुरली रूप से फाइबर्स तैयार करते हैं, जो जानवरों से प्राप्त करते हैं उसे ही हम बता रहे हैं। इसमें तो बहुत से जानवर हैं, तो उसमें विशेष स्पेशल टाइप के दो प्रकार के फाइबर आप प्राप्त करते हैं। एक तो है ऊन और दूसरा है रेशम फाइबर, उसी को इंग्लिश में आप बताए हैं ऊन फाइबर एंड सिल्क फाइबर, दोनों एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो हम देखेंगे ऊन के लिए स्पून मास्टरी ब्रांड प्लीस ऑफ सी अंगूरा गो अंगूरा रेडी अल्पाका लामा एंड कैमल है। पूरी यूज टू मेक शॉल ब्लैंकेट कारपेट स्वेटर सॉप एटिस, यानी करने का मतलब यह है कि ऊन प्राप्त करने के लिए हम भेड़ों से ऊंट से कश्मीरी बकरियों से याक से लामा से और अन्य इस प्रकार के कुछ एनिमल्स है रैबिट्स है जो उसके फाइबर को हम लेते हैं और उसको मशीनों के द्वारा उसमें हम उसका फैब्रिक तैयार करते हैं। यह फैब्रिक में जैसे मोस्टली आपके आवश्यकता पड़ जाता है विंटर सीजन के लिए, जैसे आप क्या क्या तैयार करते हैं, इसमें तैयार करने के लिए साल बनाते हो, कम्बल बनाते हो, कारपेट बनाते हो, स्वेटर और सॉक्स बना करके तैयार करते हैं। और ये आप कॉस्टली होता भी है और अधिक कीमत पे करके इसको आप सप्लाई करते हैं। फिर हम देखेंगे दूसरे प्रकार का सिल्क रेशम। तो आप जानते हैं कि सिल्क किससे बनता है, कहाँ से आता है, तो नेचुरली हमें सिल्क वार्म से तैयार करते हैं। केवल नेचुरली के बात कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल तो सिल्क वार्म से हमें सिल्क प्राप्त होता है। देखे सिल्क की जो टाइम था कोको साहब से उपहार इलास्टिक एंड डेलिकेट डियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फाइबर प्रोडक्शन ऑफ लास्ट सिल्क सेरिकल्चर। तो हमें ये सिल्क वार्म होता है और सिल्क वार्म के कुकुल से हम सिल्क को प्राप्त करते हैं, उसी सिल्क से सिल्क फाइबर बनाते हैं, फिर फाइबर टू फैब्रिक। और इसके
फाइबर फैब्रिक बना करके अपने विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग करते हैं, जो कास्टली है, सबसे अधिक महंगा है और मजबूत है और वो सुंदर और शाइनिंग चमकदार होते हैं। तो इस प्रकार के हम फाइबर को प्राप्त करके कपड़े बनाते हैं और जो पूरा प्रक्रिया है इसमें अन्य प्रोसेस का भी प्रयोग करके हम सिल्क और ऊन को प्राप्त करते हैं। विशेषतः सिल्क को प्राप्त करना एक बड़ी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम और ज्यादा प्रोडक्शन को हम सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर या एसी को देखिए लिखा हुआ के साथ सेरिकल्चर, इसके वीडियो के साथ कल हम बताएंगे अन्य कार्टन के फिर और अन्य प्रयोग में है। तो इसके साथ मैं वीडियो आपका यहाँ ओपन करता हूँ। एक वीडियो और है, आप सही ढंग से इसको क्या करें, इसका शेयर बनाएंगे जी।